क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in, शॉपिंग सुकून के साथ। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। मोतिहारी में सीएम नीतीश कुमार ने लिया विकास योजनाओं का जायजा, समस्याओं के समाधान हेतु अधिकारियों को दिए निर्देश। मधुबनी में भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक, मंडल अध्यक्ष राम सकल यादव ने की बैठक की अध्यक्षता। सहरसा में डीएम ने विकास कार्यों को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक, बैठक में डीडीसी और एसडीओ भी रहे मौजूद। मुजफ्फरपुर में मंत्री नित्यानंद राय पहुंचे मुजफ्फरपुर, सीएम नीतीश कुमार पर बरसे मंत्री नित्यानंद। नालंदा में राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने की प्रेस वार्ता, समाधान यात्रा पर किया अटैक। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है बिहार की बड़ी खबरों का। मोतिहारी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समाधान यात्रा को लेकर जिले में विभिन्न विभागों के अंतर्गत चल रही विकास योजनाओं का जायजा लिया। साथ ही समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री पूर्वी चंपारण जिले के बंजरिया प्रखंड ग्राम पहुंचे और वहां उपस्थित ग्रामीणों से बात कर उनकी समस्याएं सुनी और समाधान के लिए अधिकारियों को निर्देश भी दिए। मधुबनी के बिस्फी भाजपा मंडल कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, बैठक की अध्यक्षता बिस्फी मंडल अध्यक्ष राम सकल यादव ने की। तो वहीं बैठक की शुरुआत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम से हुई। बैठक में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए बूथ कमेटी बनाकर उसे सशक्त बनाने, सभी बूथों पर पन्ना प्रमुख बनाने पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में बोलते हुए विधायक हरिभूषण कुमार बच्चों ने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश पुराने गौरव और वैभव को प्राप्त कर रहा है। का काम है और संगठन हमारा कैसे मजबूत हो, जो आने वाले 24 में हमने जो 9 साल में जनता का सेवा किया है, चाहे वो अन्न के माध्यम से हो, बिजली के माध्यम से हो, प्रधानमंत्री आवास के माध्यम से हो, चाहे इज्जत घर जिसको शौचालय कहते हैं उसके माध्यम से हो, और सड़क बिजली पानी, लोग आम लोगों के जीवन से जो जुड़ी हुई बातें हैं उसको कार्यकर्ता जन जन तक पहुंचावे। सहरसा में सरकार की ओर से पंचायत स्तर पर जनहित में चलाई जा रही विभिन्न प्रकार की विकास योजनाओं को लेकर जिला अधिकारी ने सिमरी बख्तियारपुर प्रखंड के मुखिया पर संबंधित विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस बैठक में सहरसा डीडीसी सिमरी बख्तियारपुर, एसडीओ प्रखंड विकास पदाधिकारी सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। वहीं इस बैठक में पंचायत स्तर पर चलाई जा रही विकास कार्यों का जायजा लिया गया। सचिव आंगनवाड़ी के जितनी हमारी एल एस है सभी के साथ है, और हमारी अनुमंडल पदाधिकारी महोदया, सभी बीडीओ जो यहाँ बीडीओ हैं, सीओ हैं, पीओ हैं नरेगा के, पीओ हैं हमारे नगर परिषद के, सभी के साथ सिमरी बख्तियारपुर की जितनी भी सरकार की योजनाएं चल रही खासकर पंचायत लेवल की, उन सभी की समीक्षा की गई है। अलग अलग बिंदुओं के ऊपर कई चीज़ें हुई हैं, कुछ चीज़ों नहीं हुई हैं, उसके लिए दिशा निर्देश दिया गया है, जो नहीं किया है उसके ऊपर कार्रवाई का प्रोसेस स्टार्ट किया गया है। और उसी कड़ी में अनुमंडल हॉस्पिटल भी आए, यहाँ की जो व्यवस्था है उसको देखते हुए। स्वामी सहजानंद सरस्वती जयंती समारोह किसान मजदूर
कम कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। बता दें कि इस कार्यक्रम में भारत की गृह मंत्री अमित शाह शिरकत करेंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने और नालंदा जिले में लोगों को इस कार्यक्रम में निमंत्रण देने के लिए राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर खुद नालंदा जिला पहुंचे, जहां उन्होंने बिहार शरीफ सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता भी की। इस दौरान राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने सीएम नीतीश कुमार के समाधान यात्रा पर चुटकी लेते हुए कहा कि समाधान यात्रा बस एक दिखावा बनकर रह गया है। कार्यक्रम चल रहा है तो उसके निमित्त वो वाल्मीकि नगर आएंगे, वहाँ लोकसभा प्रवास का एक पार्टी का एक अंदर का कार्यक्रम है, उसके तहत वो करेंगे। वहाँ करके वो सभा करके वहाँ से और कार्यकर्ताओं से भेंट करके फिर पटना आएंगे और स्वामी सहजानंद सरस्वती आयोजन समिति के तत्वावधान में जो ये कार्यक्रम हो रहा है उसमें मुख्य अतिथि के रूप में शरीक होंगे। नालंदा में भी वो लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम भी प्रस्तावित है। बताते राज्यसभा सांसद विवेक ठाकुर ने प्रेस वार्ता किया और इस प्रेस वार्ता में समाधान यात्रा पर जमकर अटैक किया है। बता दें इस प्रेस वार्ता में तमाम लोग मौजूद रहे। रिश्वत लेने वालों पर आए दिन निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की मुख्यालय टीम कार्रवाई कर रही है, जिसके बावजूद लोग अपनी आदतों से बाज नहीं आ रहे हैं, जिसके चलते एक के बाद एक घूस लेने का मामला सामने आ रहा है। इस बार फिर टीम ने एक घूसखोर अकाउंटेंट को पकड़ा है। मुजफ्फरपुर के रहने वाले परिवारवादी मणि भूषण कुमार, जो सहरसा में रहकर ठेकेदारी करते हैं, शिकायत दर्ज होने के बाद टीम ने एक्शन लिया और लेखा पदाधिकारी को घूस की रकम लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। टीम फिलहाल आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। जो भी आगे का विधि सम्मत कार्रवाई है, जो भी होगा वो आपको अपडेट करेंगे। कौन-कौन थे टीम में सर? टीम में हमारे साथ अरुणोदय पांडे हैं, जो कि निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के डीएसपी हैं, हमारे साथी हैं। उसके बाद अविनाश झा है, गणेश कुमार सब इंस्पेक्टर है, ASI जयप्रकाश है, कुंदन कुमार ASI है, मोहन कुमार सिपाही है, योगेंद्र कुमार इंस्पेक्टर है और आसिफ अकबाल मेहदी इंस्पेक्टर है। खबर पातेपुर से है, जहां PHC परिसर में वैक्सीन कुरियर कार्यकर्ता और आशा दीदियों ने काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी की। वैक्सीन कुरियर कार्यकर्ता ने बताया कि 16 सूत्री मांगों को लेकर हम लोग काला बिल्ला लगाकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मात्र 90 रुपए में हम लोगों से सुबह से शाम तक काम कराया जाता है। हम लोगों की मुख्य मांगे यह है कि स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर कार्यकर्ता आशा दीदियों और ममता को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। में कुरियर लोगों को खटाया जा रहा है, 90 रुपया में खटाया जा रहा है और हम लोग को सुबह 7:30 बजे से लेकर के शाम 7 बजे तक हम लोग को खटना पड़ रहा है, जिसके कारण हम लोग को मिलता है मात्र 90 रुपया। उसके बाद हम लोग अभी काला बिल्ला लगा के सरकार को अभियान कर रहे हैं, जो अगर हम लोग को सरकार डिमांड नहीं मांगता है जा रहे हैं। 18 बरस हम लोगों को बीत गया मगर सरकार हम लोगों की बात सुनने को तैयार नहीं है, मात्र 90 रुपया हम लोगों को दे रहा है। जो कि इस जमाने में, इस महंगाई के जमाने में 90 रुपया में एक कप चाय भी नहीं होता होगा मुख्यमंत्री जी का और स्वास्थ्य मंत्री की का। तो क्या मांग कर रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री जी से आप? हम लोगों का मांग है कि स्वास्थ्य वैक्सीन कुरियर को सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। मुख्य मांग है हम लोग को जो कर्मचारी सरकारी कर्मचारी हमको बनाया जाए। आपका नाम? अमृता देवी। नवादा में लापरवाही करने वालों के विरोध में कार्रवाई की गई। बता दें कि सदर अस्पताल में इलाज के अभाव में एक युवक ने दम तोड़ दिया था, जिसके बाद परिजनों द्वारा जमकर हंगामा किया गया था। अब इस मामले की जांच की जा रही है। बता दें मौत के बाद सदर अस्पताल पहुंचे DDC सदर SDO ने अस्पताल पहुंचकर मामले का जांच शुरू किया। वहीं लापरवाही करने वाले लोगों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। साथ ही सदर अस्पताल के उपाध्यक्ष और डॉक्टर के वेतन पर रोक लगा दी गई। कमी है ना, ये कमी है। मैंने उस पर भी जैसे इंगित किया है कि आप जो कहते हैं कि डॉक्टर सागर जैसे रात में थे फिर सवेरे में आप लोग आ गए हैं, तो ये तो पहले का जैसे नहीं है। आज क्यों होना चाहिए कि आज कौन है डॉक्टर, है ना?
तो जितनी भी सारी कमियां हैं मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा सही से दूर कर दूँ। तो ये पूरी जो घटना आई है मतलब इतने अस्पताल की कोई लापरवाही नहीं है? देखिए लापरवाही की बात नहीं की जा रही है। वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉगिन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी हर एक खबर पर होगी हमारी नजर। न कोई शोर शराबा, न कोई एजेंडा। जिम्मेदारों से करते हैं तीखे सवाल। जनता के मुद्दों का रखते हैं ख्याल हम। पक्ष और विपक्ष के बीच निष्पक्ष खड़े हैं हम। निष्पक्ष और निडरता के साथ बात करते हैं हम, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र इलाके के बेलसर गांव में एक मजदूर ने चिमनी भट्टा पर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना के संबंध में मृतक के रिश्तेदार ने बताया कि मजदूर चिमनी भट्टा पर काम करता था। ग्रामीणों ने जब देखा तो मजदूर चिमनी भट्टा पर मृत पाया गया। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही थाना पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल भेज दिया और मामले की जांच में जुट गए। जानकारी क्या मिली? जानकारी मिला कि भट्टा पर फांसी लगल था उनको, तो हम लोग को पता हुआ। आप जब गए तो बॉडी किस अवस्था में देखे थे? हम लोग गए तो बॉडी नीचे चौकी पर था। कहीं निशान था? नहीं, निशान नहीं थी। गला उला में? हाँ, गला में निशान पूरा है फांसी का। तो विवाद हुआ की? विवाद तो नहीं वही है। आप लोगों को सूचना कैसे मिला? सूचना गांव के लोग और जब फिर अथी काम करते हैं, साइकिल सीटा ढोते हैं। करते क्या थे? ये मिस्त्री थे। कहाँ पर ये घटना घटी है? कौन गांव? तो मैंने कुछ देखे, क्या लग रहा है देखे से आपको? नालंदा में ठंड से बचने के लिए अलाव ताप रही एक महिला आग से झुलसकर गंभीर रूप से जख्मी हो गई। महिला को बचाने में घर के 2 अन्य महिलाएं भी झुलस गईं। मामला नगर थाना क्षेत्र के उपरौरा गांव का है। गंभीर रूप से झुलसी महिला को इलाज के लिए परिजन बिहार शरीफ सदर अस्पताल लेकर आए, जहाँ उनका इलाज डॉक्टर की देखरेख में किया जा रहा। लगलो तो आग लहरा के तापे लगल। अच्छा। साफ सुथरा लियो तो धाय धाय लहरे लगलो। अच्छा। काका के मम्मी लह रही हो तो भाई के झोंकने कुछ नहीं मिलो, पानी डाल दिली हमरा जलल हो तले अन्ने। अच्छा। मेरी बेटी है को 15 साल के, वो जल गेलो कुछ। अच्छा, मिझाय में जल गया। अच्छा, के बजे का घटना है? 4:30 बजे। 4 बजे सवेर का है। की नाम हुआ इनका? तो आपका क्या नाम है? रेखा। अच्छा, कौन है आप इनके? नालंदा के नूरसराय थाना क्षेत्र इलाके के परमानंद बिगाह गांव में बर्थडे पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बता दें कि इस हर्ष फायरिंग के दौरान एक बच्चे को गोली लग गई थी, जिससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी। इस घटना के बाद सदर DSP डॉक्टर सिबली नोमानी खुद घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की गहनता से जांच की थी और इस मामले में 6 लोगों के विरुद्ध प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई। मुजफ्फरपुर के कुढ़नी विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव में मिली जीत के लिए जनता का आभार प्रकट करने
केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय कुढ़नी पहुंचे। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि भारत की सुंदरता और सुगंध सभी धर्म और संस्कार में निहित है। यहाँ की संस्कृति, सभ्यता और संस्कार में जो खुशबू है उसे किसी धर्म या पंथ में नहीं बांध सकते, और कहा कि वह पिछले उपचुनाव के दौरान कुढ़नी के लोगों के लिए वादा निभाने आए हैं। सर्वधर्म संभाव की परंपरा है जो भारतीय जनता पार्टी के भी मूल मंत्र में है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी तुष्टीकरण का भी विरोध करेगी। तुष्टीकरण के कारण देश का बंटवारा हो गया, तुष्टीकरण के कारण बहुत ऐसे चीजों को जो देश के लिए जरूरत है, और उस लालच में लोग उस नीति का भी खिलाफ करने लगते हैं जो तुष्टीकरण है, या हिंदुस्तान के लिए, देश के लिए, देशवासियों के लिए, विकास के लिए, देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए और देश से गरीबी मिटाने के लिए, यह ठीक नहीं है कि तुष्टीकरण किया। भागलपुर में मैट्रिक की परीक्षा देने जा रही एक छात्रा और दो युवक सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। बताया जा रहा है कि छात्रा को दो युवक बाइक पर सवार होकर मैट्रिक की परीक्षा देने जा रहे थे, जहां तेज रफ्तार से आ रही अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी मिलने पर परिजनों ने आनन-फानन में घायलों को भागलपुर जिले के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया। अपने बहन को इसी में एक्सीडेंट हुआ, ट्रक के सामने सामने मार दिया। क्या चीज का? मैट्रिक का परीक्षा। मैट्रिक का परीक्षा। अच्छा, कितने लोग जा रहे थे? तीन लोग जा रहे थे, एक उसमें दे के आया था इसलिए उसको मालूम था, इसलिए साथ में जा रहा था। भाई बहन थे? भाई बहन। अभी कहाँ है? अभी एक को रेफर कर दिया है, खुशी कुमारी जिसका नाम है। हाँ। और एक का पैर में बैंडेज हुआ, एक का भी और होगा, माया भर्ती है। भागलपुर में पुलिस लगातार अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए मुहिम चला रही है, जिसके चलते पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी कर बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिसकी जानकारी पुलिस अधीक्षक आनंद कुमार ने प्रेस वार्ता कर दी। अच्छी सफलता अर्जित की गई है, जिसमें एक मामला है, एक अपराधी है, उसका नाम टोपला यादव, और वो तीन मर्डर के और एक आर्म्स एक्ट के कांड में वांछित रहा है, और अभी भी बात का एक मर्डर केस है जिसमें कि वो अभी भी वांछित है और उसको गिरफ्तार करना बाकी था। यह अपराधी पूर्व में भी शाहकुंड में एक हत्या हुई थी हमारे सब इंस्पेक्टर के अविनाश की। भागलपुर में बेखौफ बालू माफिया ने ट्रैक्टर चढ़ाकर एक मजदूर की निर्मम हत्या कर दी। पूरा मामला सनहौला थाना क्षेत्र के धनोरी नदी का है, जहां बेखौफ बालू माफिया ने एक मजदूर पर ट्रैक्टर चढ़ाकर उसकी निर्मम हत्या कर दी। इधर घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बाढ़ में रेलवे स्टेशन के पास बने स्टैंड के संचालक मनीष कुमार को धमकी मिली है, जो कि पटना के नामी जेल में मनीष के मोबाइल पर मिली। मनीष कुमार ने बताया कि मोबाइल से बात करते हुए बार बार फोन कर स्टैंड छोड़ने की धमकी दी गई। जानकारी के मुताबिक जेल से धमकी देने वाला पिंटू यादव है, जो पहले स्टैंड चलाता था। वहीं पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। या किसी प्रकार का आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्राइमा फिशिंग जो सूचना हम लोगों को मिली है, तो ये विवाद रेलवे स्टेशन परिसर में स्टैंड के संचालन से संबंधित है, और वो परिसर जीआरपी के अंतर्गत आता है। अगर किसी भी प्रकार से उनको स्थानीय पुलिस से किसी प्रकार की सहायता आवश्यक होगी तो निश्चित रूप से प्रदान की जाएगी। पर धमकी आने लगा सर हमको, वो जो पहले सस्टेंड चला रहे थे मुंद्रिका यादव, उनका भतीजा पिंटू यादव, जो सर अभी बेउर जेल में है, बेउर जेल से ही हमको सर धमकी वो दे रहे हैं सर। उसके बाद सर जब 9 तारीख से हमको 9/2/2023 से सर हमको स्टैंड शुरू करना था, उस दिन भी सर वो कॉल करके, उसका ऑडियो रिकॉर्डिंग भी है सर मेरे पास, कॉल करके धमकी दिए सर। बिहार की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ बाल पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।
क्या आप घर बैठे कुछ खरीदना चाहते हैं? क्या आप खोज रहे हैं विश्वसनीय ई स्टोर? तो देर किस बात की, अभी लॉग इन करें skbmarket.in। skbmarket.in देश का सबसे तेजी से बढ़ता ऑनलाइन शॉपिंग और सर्विस प्लेटफॉर्म है। आपके skbmarket.in से अब तक 3 लाख से ज्यादा संतुष्ट ग्राहक जुड़ चुके हैं। हमारा उद्देश्य न केवल उत्पाद बेचना है बल्कि आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करना है। हम अपनी ई सेवा गतिविधियाँ यानी ऑनलाइन व्यवसाय को अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचाने जा रहे हैं। skbmarket.in शॉपिंग सुकून के साथ। राजनीति से जुड़ी